सो हे एवरीवन, हियर यू गो। आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारी सी पेंटिंग, एक्चुअली ड्राइंग प्लस पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग बोले तो पेंटिंग बोल सकते हैं, पोस्टर बोले पोस्टर बोल सकते हैं, बट उसके लिए हम बैकग्राउंड मतलब बॉर्डर यूज़ ही करेंगे। बिकॉज बॉर्डर जो यूज़ करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि ड्राइंग के ऊपर कलरिंग अच्छे से हो जाए। इसलिए हम बॉर्डर इसलिए नहीं लगाते हैं ताकि पेंटिंग जो है वो एकदम खिल के सुंदर तरीके से दिखाई दे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जाइए और वो वीडियो भी देखिए। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनानी सिखाई हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। और हम बनाने वाले हैं एक ड्राइंग पोस्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ऑन क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली। आप इसको क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया भी लिख सकते हैं, बट इसको हम तो प्यारा सा स्लोगन लग रहा था दिल्ली के ऊपर, इसलिए मैंने दिल्ली लिख दिया है। आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। और इस तरीके से ये बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट एक पेंसिल से ही बना दे रही हूँ। आप चाहें तो धीरे धीरे भी बना सकते हैं इसको, और इसमें इसे डायरेक्ट कलर कर दें। यस गाइस, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि मैं स्केचिंग जो है वो डायरेक्ट ऐसे दिखाती नहीं हूँ, बस रख के देती हूँ, फिर वो हो जाती है और कलर भी ऐसे हो जाते हैं। किसी को चाहिए कि मैं पूरी कलर्स के साथ में दिखाऊँ कैसे कलर कर रही हूँ मैं, कौन सा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बारे में आप जो कमेंट होता है ना उसके अंदर बोल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट हमेशा ओपन रहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ से, कलर से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे बताइए। आप हेट कमेंट कर देंगे मुझे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और कहाँ मैं सही कर रही हूँ। सो बस मुझे यही बात कहनी थी, आगे आप वीडियो देखिए। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्केचेस हो गए हैं। स्केचेस होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, आप कलर होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं कलर करते हुए दिखाऊं, और यस ये जो है मैं पेंटिंग कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, बिकॉज पेंटिंग कलर से ड्राइंग जो है वो अट्रैक्टिव लगती है। और सिर्फ एक ही कलर इस्तेमाल करें क्योंकि स्लोगन में ही हमारा क्लीन और ग्रीन है, तो ग्रीन से रिलेटेड हमको एकदम ग्रीन बनाना है ताकि वो साफ सुथरा दिखे, इसलिए पूरा ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। और हम इसके लिए तीन स्केचेस यूज़ करेंगे लिखने के लिए स्लोगन। किसी भी ड्राइंग के लिए स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्लोगन ज़रूर लिखें किस टॉपिक पे ड्राइंग बना रहे हैं, किस टॉपिक पे पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो ज़रूर लिखें। उसके कारण हमारी ड्राइंग समझ में आती है कि किस चीज़ के ऊपर है। अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए गाइस। मैं बहुत बार कमेंट बोल रही हूँ, सो सॉरी, बट आप कमेंट नहीं करते ना गाइस इसके लिए। सो गाइस, ये मेरी एक प्रॉपर ड्राइंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड यस कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।